আমরা এখন আছি আম্বেরপুর জয়পুর রাজস্থান। আমরা শিবনীপুর আসলাম, পুকুরের দিকে এই সিনারিগুলো নিতেছে। পাহাড় এরিয়া, নিচে দেখতে খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগছে। লোকজন এইভাবে গাড়ি নেওয়া কার কি রাস্তা, আমরা ওই জিপগুলো আমাদের আসলাম। এখন আমরা পুকুরে যাব, আমাদের গ্রুপ লিডার আছে, চার লাগানো আছে। টিকেটের মূল্য কত নির্ধারণ করা আছে। इसके सेफ्टी के लिए देखो 12 किलोमीटर में दीवार बना हुआ है। सबसे बड़ा दीवार है चाइना का, सेकंड नंबर है कुंभलगढ़ और थर्ड नंबर ये जो 12 किलोमीटर में कवर करता है। नीचे में आमेर गांव है, ये आमेर फोर्ट है। 365 मंदिर बने हैं नीचे में, आप देखेंगे। और अभी अपन अंदर चलेंगे, सबसे पहले पार्ट है जलेब चौक, उसके बाद में अपना काउंटिंग होगा। यहाँ पर टिकट होता है 100 रुपये पर पर्सन का, तो अपन टिकट वहाँ पर ले लिया है, तो आपको सबका काउंटिंग होगा। सबको साथ में रहना है, कोई बाहर रह गया तो बाहर रह जाएगा, सबको साथ में रहना है। आइए आप लोग, যাত্রা করলাম হাইটে হাইটে, দেখি যাওয়ার পরে কি দৃশ্য দেখতে পাই। হাতির সাহারি, হাতিটা সাহার কাছে तो उससे मेरा देखिए हाथी घोड़े सैन्य लोग जलेबी स्टाइल में खड़े थे। इसमें आने के लिए दो गेट हैं, ये देखो सामने सन गेट, एलिफेंट आने का पैदल आने का रास्ता, और इधर में है मून गेट, गाड़ी का रास्ता। उस समय बग्घिया पाल के आया करते थे, उसके लिए उधर से आते थे और हाथी से आया करते थे। पीछे में देखो बहुत सारे गेट बने हुए, उस जमाने में घोड़ों के लिए अस्तबल हुआ करते थे। पीछे में जो छोटे छोटे विंडो आप देख रहे हैं, ये फैमिली क्वार्टर सोल्जर्स के लिए, जब भी यहाँ अटैक होता सिपाही लोग बैठ के वॉचिंग करते हैं, वहीं से SMS करते हैं, क्योंकि ऊपर में वॉच टावर देखा आपने दीवार के ऊपर में, तो वहाँ से वॉचिंग करते हैं, वहीं से SMS करते हैं। तो SMS के लिए पहले मोबाइल नहीं था, नंगारे और ड्रम्स होते थे, वो देखो गेट के ऊपर आज भी रखे हुए, जब इनको बजाते सब इकट्ठा होते। तो मानसिंह ने जब उसको बनाया तो सबसे पहले यहाँ पे मंदिर बनाया, इधर में काली माता का मंदिर है, जसौर से लेके आए थे, इसको बोलते हैं जसेश्वरी माता, काली माता और शिला माता। मानसिंह अकबर वाला, अकबर का थोड़ी था वो मानसिंह, यहाँ का राजा, आप तो बोल रहे अकबर का बेटा हो जैसे, लेकिन जोधाबाई को थी नहीं, उसका नाम था अरका भाई, उनका शादी किया अकबर के साथ में, वो मुस्लिम या हिंदू, तो पूरे फोर्ट में आपको हिंदू और मुस्लिम आर्ट देखने को मिलेगा। और देखो उधर में काली माता का मंदिर बना हुआ है, तो 16वीं शताब्दी में मंदिर बनाया गया, आज भी राजा के अंडर में। यहाँ हर रोज बकरे की बलि होती है, तो बलि का भोग लगाते हैं काली माता के, तो 47 तक बलि यहाँ पे हुआ पेड़ के नीचे, 47 के बाद में बलि हुआ। इधर जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ऐसा गेट बनाओ नीचे, उसको बोलते हैं बलिदान गेट। भाई सर इसमें 28 है, 28 वो 27 है, तो इसे नीचे बना हुआ है, तो वहाँ पे आज भी बलि होता है। तो 47 के बाद में बलि हुआ नीचे, और 47 तक बलि हुआ यहाँ पे, यहाँ बकरे की बलि का भोग लगाते हैं, और हर रोज जो खर्चा होता है सब राजा की तरफ से। शताब्दी से आज तक चल रहा है, रोज 16 सेंचुरी से आज तक बलि चल रहा है। और इधर में देखो जो सामने आप देख रहे हैं, ये पंडित लोग को रहने के लिए, ये सब बंगाल के पंडित लोग हैं, क्योंकि यहाँ के पंडित लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो बंगाल के पंडित उसको यूज करते हैं, तो बलि भी चढ़ाते हैं उसको, फिर बाद में प्रसादी रूप में उसको लेते हैं। अगर लोकल पंडित को लेना चाहे तो उसको प्रसादी रूप में उसको मिल जाता है, और वाइन चढ़ाते हैं, यहाँ का स्पेशल मीठा था गुंज उसका भोग लगता है। अभी सबको साथ में रहना है, अपन चलेंगे ऊपर गेट के ऊपर।
तो ये मेन गेट है यहाँ का, इसको बोलते हैं सिंक पोल गेट। इसके बाद में सबसे ब्यूटीफुल गेट आप देखेंगे गणेश पोल गेट। तो हर जगह आपको दीवानी नाम दीवानी खास मिलेगा, तो सबसे पहले आप दीवानी पार्ट में देखेंगे। तो ये हिस्टोरिकल पैलेस है, जितना सुनोगे उतना मजा आएगा, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जाक एक्चुअल नाम क्या है इसका? है आमेर, ये आमेर फोर्ट और ये आमेर गाँव। বানানো দেখা যাইতেছে মোটামুটি এইভাবে 12 কিলোমিটার 12 কিলোমিটার তো এইভাবে বানাইছে আর কি, পাহাড়ে কেটে 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 কেটে। এসে মহাদেশের তৃতীয় সিঁড়ি, 3 নম্বর সিঁড়ি। এখন ভিতরে যাবো, যাই ফটোগুলো কালেকশন। পিছিয়ে যা দেখ রে, ইসো বলতে দিওয়ানে আম। राजा के साथ में आपको बैठ के मिली होती है, जो भी समस्या थी बैठ के सुन सकते हैं। बीच में जो बड़े स्थान आप देख रहे हैं, ये राजा का बैठने का स्थान है। साइड में मंत्री लोग बैठते हैं और जहाँ पर खड़े हुए ये आप लिखे लोग एक एक आदमी बड़ा समस्या का सोल्यूशन। क्योंकि जोधा भाई का शादी किया अकबर के साथ में, वो मुस्लिम ये हिंदू, रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक फिल्म देखो हिंदू कल्चर। जो एलिफेंट का मुंह आप देख रहे हैं और डाउन साइड में जो फूल पत्ती बना मुस्लिम कल्चर, तो हिंदू और मुस्लिम आर्ट में बनाया हुआ। पूरे फोर्ट में आपको यही आर्ट देखने मिलेगा, हिंदू मुस्लिम कल्चर। देखो जिस पे गेट से आपने एंट्रेंस किया था, इस गेट का नाम है गणेश पोल वो सिंह पोल गेट। इसमें महाराजा मानसिंह को सिंह का टाइटल दिया, लोइन का लड़ने में बहुत बहादुर थे तो अकबर ने उनको टाइटल दिया। उसके बाद में मेमोरी के लिए बनाया गया गेट, इसका नाम रखा सिंह पोल गेट। और देखो साइड में हुक लगे हुए, यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम के लिए मशाल जलाया करते थे। आज से 450 साल पहले जयसिंह पचनी गेट बनाया, इस गेट का नाम रखा गणेश पोल गेट। बीच में गणेश का पेंटिंग है और पोल मींस गेट। इसमें जितना भी कलर आप देख रहे हैं, अपना जो खाने की सब्जी थी पालक मेथी बतवारी सब्जी, उससे हरा कलर पेंट किया हुआ है। पीला कलर जो आप देख रहे हैं नींबू के छिलके कच्चल दी सनफ्लावर से किया हुआ है। रेड कलर गाजर से चकुंदर से किया हुआ है। व्हाइट कलर कोकोनट से किया हुआ है। ब्लू कलर इंडिगो फ्लावर से किया हुआ है। एशिया का बिगेस्ट मार्केट है जयपुर स्टोन कटिंग पॉलिश के लिए। इसके चूरे को फेंकते नहीं है, इसको इकट्ठा करके पेंट में काम लेते हैं। तो वेजिटेबल कलर से स्टोन से पेंट किया हुआ है आज से 450 साल पहले, और आज भी देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है। ऊपर में देखो मंदिर का शेप बना रखा हिंदू कल्चर, और ये ताजमहल वाला मुस्लिम कल्चर। तो हिंदू और मुस्लिम आर्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और बीच में जो जालियाँ आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। सभी रानियाँ बैठ के अपने सुहाग के लिए पूजा करती, जब भी राजा लड़के बाहर निकलते, जब राजा वापस लौटते रानियाँ विंडो से फूल डाल के वेलकम करती। आज की रानी कोई वेलकम नहीं करती है, ये उस जमाने की बातें हैं। पीछे में देखे ये भोजनशाला, खाना बनाने के लिए राजा रानी के लिए खाना यह बनता। और जो नीचे आप प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये पानी का टैंक है इसके नीचे में, तो इसमें 3 वाटर टैंक बना रखे हैं। तो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, पूरे साल में इसको यूज करते थे। और सामने देखो चबूतरा बना हुआ है, वहाँ से लेकर इस बोर्ड तक ये पूरा वाटर टैंक बना हुआ है। एक जलेब चौक में है, एक यहाँ पे और एक मानसिंह महल में। पहला पार्ट ये, पहले अपन चलेंगे सामने उधर में। ये तो गया एक रानी का अपार्टमेंट। ऐसे अभी दूसरे पार्ट में चलेंगे, वो है पटरानी का। पटरानी बोलते हैं सबसे बड़ी रानी को। तो दो रानी स्पेशल थी, पटरानी और प्रिय रानी, इसलिए इसके नाने के लिए बीच में पार्टनर बनाया। उसमें आपको डबल फैसिलिटी देखने को मिलेगा। कैसे बना हुआ है इधर आइए आप लोग। रानी को बोलते हैं पटरानी, ये पटरानी का महल। तो जब भी मानसिंह बाहर जाएंगे या बाहर से अंदर आएंगे, तो मैं नाइट स्टैंडिंग के पास में होगा और खाना पीने साथ होगा, तो यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। ये डाइनिंग टेबल बना हुआ है, डाइनिंग टेबल बना हुआ। तो रानी व्हील चेयर से बैठ के सीधे मानसिंह महल में और मानसिंह महल से अपने महल। इसके लिए डबल फैसिलिटी, उसके लिए सिंगल, बाकी सब नॉर्मल है। आज के टाइम में एक रानी सोचे पता होती है, तो 12 कैसे मेंटेन करते वो तरीका बताता हूँ। बाहर और नीचे में जो कोने में आप देख रहे हैं प्रिय रानी के लिए, और बीच में पटरानी के लिए, इधर में मंदिर रानी के लिए। तो 3 अपार्टमेंट दीवार के सामने, 3 इधर में है,
और तीन बैक साइड में और तीन इस साइड में, तो 12 रन के 12 अपार्टमेंट। मानसी को किस तरह से मिलना होता तो देखो वहां से मैसेज करते दासियों को, ऊपर में 7 क्वार्टर है, नंबर 1 को लेके आओ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो सब पहले कॉरिडोर गुप्त रास्ते बने हुए, हर अपार्टमेंट से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे उसको मैसेज मिलेगा उसके कॉरिडोर से सीधा अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट से लेकर सीधे मानसिंह महल में, तो किसी को खबर नहीं होगा कौन सी रानी गई कौन सी वापस आ रही है, तो आपस में झगड़ा नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। वैसे 12 रानी को मेंटेन करने का तरीका था, ऊपर में देखो हुक लगे हुए पर्दे लगा देते चारों तरफ उसकी सेट होने के लिए, तो मानसिंह के अलावा इसमें कोई मर्द नहीं था, उसकी सेफ्टी नहीं होते थे किन्नर, तो ऊपर में देखो वॉच टावर बनाए हैं, तो यहाँ पे बैठ के किन्नर वॉचिंग करते थे, तो मानसिंह के अलावा इसमें कोई मर्द नहीं था, ये लेडीज अपार्टमेंट ना, लेडीज ना जेंट्स हिंजड़ा वो यहाँ पर रहते थे रानी के साथ में, और जहाँ पर खड़े हुए ना ये रानी को एंजॉयमेंट में बोलते हैं बाराधरी, तो 12 मेल के बीच में, तो यहाँ पे पटरानी बैठती, छोटे रानी साइडों में बैठती, बाहर हल्के पड़ते थे, और यहाँ पे डांस प्रोग्राम चलता है, तो एंजॉयमेंट के लिए डांस प्रोग्राम चलता था। फिर लेडीज अपार्टमेंट हो गया, वो देखो पानी का टैंक नीचे बना हुआ है, तीन इसमें टैंक बना रखे, और इसमें बहुत सी मूवी का शूटिंग हुआ, अगर आप लोगों ने जोधापुर मूवी देखा हो तो सामने जो गेट आप देख रहे हैं जोधापुर उधर से निकलती है, भगवान से दर्शन करते हैं, जो तलवार वाली सीन था यहाँ पे शूट किया गया, मुगल आजम मेरे तल का धंधा किया उस चीज में भी शूटिंग हुआ था, बाजीराव मस्तानी दीवानी आम में शूट हुआ था, और सबसे पहले आपने देखा जलेब शो वहाँ पे वीर मूवी का, और अकबर जब आतंक का वेलकम किया जोधापुर मूवी का वेलकम किया गया, उसमें ये मूवी यहाँ पे शूटिंग हुई। ये पूरा लेडीज अपार्टमेंट इसको बनाने में 25 साल लगे थे, पूरे फोर्ट को बनाने में 137 साल लगे, 1592 से 1727 तक रॉयल फैमिली यहाँ पर, उसके बाद में सवाई जी ने जयपुर बनाया, जयसिंह को 17 भाषाएं दी थी, ज्योतिष वास्तु के मास्टर उन्होंने 5 जंतर मंत्र बनाए, सबसे पहले बनाया दिल्ली में 1724, फिर जयपुर में 1728 में, फिर मथुरा में बनारस में उज्जैन, इसलिए सवाई जी ने 5 जंतर मंत्र बनाए, जिनको सवाई का टाइटल दिया औरंगजेब। आज जो आप थे इंटेलिजेंट थे, जो भी राजस्थान पहले गद्दी बैठते सब पहले मुगल बादशाह के पास में जाना पड़ता, महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान में राणा प्रताप को छोड़ के सब इन कंट्री में, और ये अकबर कंट्री में, जब ऐसे दिल्ली पहुंचे सवाई जय सिंह, तो उनको सब उम्र थी सिर्फ 11 वर्ष, तो 11 वर्ष का बच्चा होता है इंटेलिजेंट थे, हरी जवाब थे, वहाँ पहुँचते उनको दोनों हाथ पकड़ लिया औरंगजेब, बोला मैं तेरे को खत्म करूंगा, लेकिन जय सिंह जगह जवाब दिया कि आप मेरे को खत्म नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता, मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, आप भले ही बादशाह होंगे, हमारे हिंदू संस्कृति में एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है तो पूरी जिंदगी भर साथ नहीं पाता, आपने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए आप मेरे खत्म नहीं कर, तो ये बात बोलने के बाद में उनके पास कोई जवाब देते सेठ को समाज से कोरा ईरान दावरी को सीटें वहाँ तो बोरो जब मैं कुत्ते साल ये ईरान दावे को बोले सब्जी तो सीधा जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट किया हुआ, तो जब भी अटैक होता घेराबंद होता तो राजा रानी मंत्री को बचाने के लिए रास्ता काम में था, इसको ओपन करते तो सीधे निकलते हुए जयगढ़ फोर्ट में शिफ्ट करते थे, तो राजा रानी का जाने का रास्ता बना हुआ है, और पीछे में देखो बड़े बड़े कड़ाव देखेंगे आप, जोधापुर मूवी में आपने शूटिंग देखा हो इसमें खाना बनाया था, इसी के तरह खाना बनाया था, तो पहले उस जमाने में इससे बड़े बड़े कड़ाव होते थे, जिसका हेड होता था वहाँ तक जो हुक लगा हुआ ना वहाँ तक, इसे बड़े बड़े कड़ाव होते थे, इसलिए चार चार आपके ऊपर खड़े होते और वहाँ से ऊपर से लाया करते, तो सबके लिए इकट्ठा खाना बनता, तो ये खाना बनाने के लिए कड़ाव रखा हुआ। ये देखो उल्टा रखा हुआ है, इसे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं, जमीन में खड्डा खोदते डालते हैं, फिर चारों तरफ में पानी डालते हैं तो मिट्टी हमेशा गीली रहे, उसके बाद में पिछले डालते पानी डालते खड्डा पानी साफ पानी, तो उस जमाने का आरू बोल सकते, उस जमाने का बिस्तर का बोतल बोल सकते, ऐसे इसमें बहुत सारी बनी हुई थी, जमीन में खड्डा खोदते डालते थे ठंडे पानी के लिए। अब इधर से बाहर चलेंगे, अपनी गाड़ी का नंबर सबको आज शुरू हुआ था राजा कौन, फर्स्ट टाइम कौन सा राजा था? सबसे पहले यहाँ पे आए थे दूल्हे राय, जिन्होंने कच्छा वंश की स्थापना की और ये पूरा गांव बनाया, इस गांव का नाम है आमेर गांव, तो अमकेश्वर महादेव के नाम से इस गांव का नाम आमेर रखा हुआ है। इसकी सेफ्टी के लिए देखो पूरे 12 किलोमीटर में बाउंड्री बना हुआ है चाइना वॉल की तरह, तो सबसे बड़ा दीवार था चाइना का, सेकंड नंबर कुंभलगढ़ और थर्ड नंबर ये जो आमेर का दीवार है। 1592 में महाराजा मानसिंह प्रस्थित हुए, तो इसमें 25 जनरेशन रही, तो सबसे पहले मानसिंह आए और लास्ट महाराजा इसमें 1727 तक सवाई जय सिंह रहे, तो 5 राजा नीचे रहे और 25 इसमें रहे, तो 30 जनरेशन निवास किया आमेर में, फिर 1727 में जयपुर चले गए, तो जय सिंह ने जयपुर शहर बनाया, जिनको 17 भाषाएं थी ज्योतिष वास्तु के मास्टर थे। पहले कौन था और लास्ट तक कौन था राजा? सबसे पहले थे दूल्हे राय,
उसके बाद में सवाई जयसिंह, उसके बाद में जयपुर चले गए 1727 में, फिर जयपुर बन गए। तो 30 जनरेशन यहाँ रही, 11 जनरेशन वहाँ पर हुई। अभी जो किंग चल रहे हैं करंट महाराजा, 41 जनरेशन चल रहे हैं, जिनका नाम है सवाई पद्म नाथ सिंह। 24 साल की उम्र है, इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं, पोलो प्लेयर है, पोलो बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी जो है ये तो गवर्नमेंट अंडर में है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में, अभी गवर्नमेंट का कंट्रोल कर रहा है, देश आजाद हो गया। थैंक यू आपका साथ पूरा टाइम हम लोग घुमा फिरा देखा, एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ थैंक यू, हाँ वेलकम सर, वेलकम, अच्छी वेलकम, धन्यवाद।